नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नाबालिग दलित लड़की से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि समुदाय विशेष के एक युवक ने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद आरोपी पिछले 1.5 साल से पीड़िता को ब्लैकमेल कर अपनी 3 दोस्तों के साथ गैंग रेप करता रहा। सबसे बड़ी बात तो यह सामने आई है कि जब पीड़िता ने उससे दूरी बना ली, आरोपी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी मोइन उर्फ सालू और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ संवाद सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को ब्लैकमेलिंग से तंग आकर गुरुवार को पीड़िता ने अपने घर में सुसाइड करने की कोशिश की, तो परिवार वालों ने उसे बचा लिया। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, धारा 376 और IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल आदि की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।